28 जनवरी को सूर्योदय के साथ ही पूरे बांदा में एक खास चहल पहल थी। हर कोई इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट को देखना चाहता था। पूरा बांदा एक ही दिशा में दौड़ा चला जा रहा था। राजकीय मेडिकल कॉलेज का कैंपस इस स्वर्णिम अध्याय को अपने आगोश में समेट लेना चाहता था। न जाति थी, न धर्म था, न पंथ था और न ही मजहब। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लेकिन शिक्षालयों से लेकर महाविद्यालयों तक, क्या गांव और क्या कस्बे, इनोवेशन की उपलब्धियों पर पूरा बुंदेलखंड अभिभूत था, इतरा रहा था और खुली आंखों से इनोवेटर्स को देख रहा था। 28 जनवरी 2019 की दोपहर बुंदेलखंड के इतिहास पर इस कदर शीर्ष पर काबिज हो रही थी जिस पर पहुंचने के लिए अनेकानेक प्रयास करने पड़ते हैं। ये जो आपका समिट है, ऐसा समिट हमने नहीं देखा। आपने देखा वो तो बात अलग है, हमें नहीं देखा। ये बहुत बड़ा कदम है जिसके माध्यम से बेरोजगारी मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। हम गांवों तक कुछ नई चीजों के साथ जा सकें और उन गांवों को जीवित कर सकें जो हमारे गांवों की बेहतरी कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं जिला प्रशासन बांदा को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह की एक आयोजन सबसे पहली बार मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड में किया जा रहा है। ये विचार हमारे जिलाधिकारी महोदय का था कि हम कुछ नए ढंग से जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। तीन प्रमुख समस्याएं अन्न प्रथा, जल संकट तथा कुपोषण, इनसे बांदा ही नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड परेशान है। पिछले कई दशक से सूखे के चलते किसी कृषि क्रांति की बात सोचना भी असंभव लगता है, पर बांदावासी इसी असंभव को हकीकत में बदलने की धुन में जुटे हैं। यह एक सामूहिक प्रयास था, सभी समस्याओं को सहज, सरल और कम लागत में समाधान पाने का। तन, मन और बुद्धि से एक इनोवेटिव सोच पैदा कर अपने अंदर की वैज्ञानिकता, तार्किकता, रचनात्मकता जैसी अंतर्निहित शक्तियों को बढ़ाने का एक इनोवेटिव प्रयास था, जिसमें जनपद के हर व्यक्ति ने उत्साह, उमंग और खुशी से ज्ञान के इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसमें लोक संगीत व लोक गीतों की लय और ताल ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले कदम से प्रभावित होकर स्टार्टअप शुरू करने वाले अब बेहतर माहौल चाहते हैं। लोग नए तरीके से सोचने के लिए कैसे प्रेरित हों, अपने मनमाफिक स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें मंच मिले, माहौल मिले, इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट ने इसी माहौल को बनाया है। यकीनन पिछड़े क्षेत्र की यह उपलब्धि किसी भी स्थापित पुरस्कार और सम्मान से बड़ी है। ज्ञान के इस महाकुंभ से बुंदेलखंड को भी खुशहाली के कई अनसुलझे महत्वपूर्ण सवालों को समझने में मदद मिलेगी। हमको बहुत अच्छी नई नई जानकारियां यहां से मिली हैं और हम लोग इसको अपने घर जा कर के फॉलो करेंगे। अब ये सब एक कॉमन पब्लिक को नहीं पता रहता है, वो इस 3 दिन के फंक्शन से मुझे लग रहा है कि वो लोग भी जान रहे हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, बच्चे लोग इतने सारे, इतने यूथ आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट और एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रहा है। जनपद की जो समस्याएं उनका निवारण करने के लिए अगर 1-2-4 विचार भी आ गए, उनको कार्यान्वित कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि। बांदा जैसे ये छोटे से जिले में है, देखा कि मेला के साथ यहाँ रैला शुरू हुआ तो हम खाना खाने में जिलाधिकारी जैसे कहा कहीं हम नहीं आते तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करते। पूरे जनपद को इकट्ठा एक साथ आने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। जनपद के विभिन्न वर्गों को, स्टूडेंट को, किसान को, व्यवसायी को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया और हमारी बांदा की ताकत को बढ़ा दिया, आपस की दूरी को घटा दिया। ये इसका टेक अवे है। हम लोग आज मजबूत बन के निकले हैं। गवर्नमेंट के बीच की जो एक दूरी थी, इस स्टॉल के माध्यम से हमने कार्यक्रमों की सही जानकारी देने की कोशिश करी और उस खाई को पाटने की प्रयास किया। 8 जगहों पे हमने 500 कलाकारों को, हमने कोई वो डेंटिंग पेंटिंग वाला बॉम्बे से नहीं बुलाया, कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला नहीं, आपके बीच के कलाकारों को 8 मंचों पे और इतना खूबसूरत
इतना बेहतरीन लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने उनको मंच दिया। कई जगहों के लोग आए और उन्होंने अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे विषयों पे चर्चाएं हुई कि पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, अर्बन डेवलपमेंट में ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान कैसे हो, अन्ना प्रथा से निजात कैसे मिले, कुपोषण से कैसे लड़ा जाए, अनेकों मेडिकल में क्या इनोवेशन हुए हैं। इतना बढ़िया माहौल, हमारा ख्याल है 150 से 200 के बीच विद्वान यहाँ आए। हमारी जो पुरानी बातें थी वो खत्म होंगी, जो नकारात्मकता थी वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी से वो फील होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर कहा जाए तो।